तो कौन कौन से स्टेप्स वहां पे इन्वॉल्व होते हैं. सो सी द फर्स्ट स्टेप, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय द क्लोरोफिल. तो जब फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट प्रोसेस होता है, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें फर्स्ट स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय द क्लोरोफिल. जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल अभी मैं बता के हटाऊं, क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट, ठीक है. इसका काम क्या होता है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है. पहली बात, दो काम है क्लोरोफिल के बेसिकली, एक तो ग्रीन कलरेशन प्रोवाइड करनी ग्रीन प्लांट्स को, ठीक है. और जो क्लोरोफिल है, याद रखना, जो क्लोरोफिल है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में. क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, एंड वेयर क्लोरोप्लास्ट इज सिचुएटेड, इन द प्लांट सेल, ठीक है. तो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है ग्रीन पिगमेंट जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल. तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होंगे उनमें क्लोरोफिल जरूर होगा, ठीक है. और ये क्लोरोफिल क्या करता है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है. जब सन की रेज ग्रीन प्लांट्स पे पड़ती हैं तो ये जो क्लोरोफिल है ये क्या करता है, सनलाइट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है. क्यों एब्जॉर्ब करता है, ताकि जो फूड है वो अपने आप बन सके, ठीक है. द सेकेंड स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड ब्रेकडाउन ऑफ या डिसोसिएशन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. दिस इज द सेकेंड स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा उसके बाद सेकेंड स्टेप स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी. तो जो सनलाइट है वो एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगी, केमिकल एनर्जी में. मतलब जो फूड है वो प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है. तो द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, एक तो ये वाला स्टेप होगा साथ साथ, और साथ साथ वाटर, जो वाटर का जो मॉलिक्यूल है वाटर H2O, वो किसमें ब्रेक डाउन होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, ठीक है. तो वाटर इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया क्लोरोफिल ने, तो इसकी प्रेजेंस में जो वाटर है उसकी ब्रेकडाउन डिसोसिएशन हो जाएगी इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और साथ साथ क्या लाइट एनर्जी जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, केमिकल एनर्जी में, ठीक है. सी द लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, लास्ट स्टेप इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो जब ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो ये हाइड्रोजन कहाँ लग जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लग के क्या बना लेगा, ग्लूकोज. तो ये रिएक्शन मैं बता देता हूँ, CO2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये बनेगा C6H12O6, दैट इज योर ग्लूकोज, ठीक है, ऑर्गेनिक फूड प्लस ऑक्सीजन. तो इन तीन स्टेप से जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, दैट इज योर ग्लूकोज, दैट इज द ऑर्गेनिक फूड, ठीक है. ये सारे इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स हैं, तो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स की हेल्प से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट
ऑर्गेनिक फूड बन जाएगा और एंड दिस इज ऑल्सो द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, दैट इज रिलीज इन द सराउंडिंग, ठीक है. तो ग्रीन प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस. ठीक है, थैंक यू.